दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन 297 पदों पर होगी भर्ती और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15/7/2022 है। किस राज्य से या आपका जो नोटिस है वो आया हुआ है और साथ ही साथ कितने पद डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए हैं और कितने पद बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए हैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। किस प्रकार से पद होंगे और कहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लास्ट डेट आप लोगों को बता ही दी गई 15/7/2022 है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं नोटिस को और उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार को 20,000 के करीब में पहुंचाया यानी कि 20,000 लोग आज इस परिवार में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना स्नेह इतना प्यार दिया आपके अपने एग्जाम ट्रिकी चैनल को। वीडियो को सभी मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का नोटिस आया है। यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल रहा है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूल। दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके 1/7/2022 से प्रातः 10 बजे से भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो अंतिम तिथि जो है वो 15/7/2022 शाम 5 बजे तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा की समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संसाधन अध्यापक को के 297 पद, इसमें से 205 पद IDSS के हैं और 92 पद हैं जो वो पद हैं सर्व शिक्षा अभियान के, उसको अनुबंधित आधार पर इसके माध्यम से दोस्तों सीधी भर्ती करने के लिए इसकी वेबसाइट पर आप जाकर के यहाँ पर जो आपको ये वेबसाइट दी गई है ये वाली और ये वाली सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के संसाधन अध्यापकों के लिए 25,000 प्रतिमाह और समेकित शिक्षा तथा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के अध्यापकों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय दिया जाएगा। यानी कि जो ये वैकेंसीज हैं ये आपकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हैं दोस्तों, ये आपकी मान के चलिए कि संविदा पे हैं और इसकी नियुक्ति 31/3/2023 तक के लिए की जाएगी। यानी कि जो भी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी वो 31/3/2023 तक के लिए ही की जाएगी, 31 मार्च तक ही इसकी नियुक्ति की जाएगी जो भी यहाँ पर चयनित होंगे। इन पदों की विस्तृत जानकारी के लिए शैक्षिक योग्यता चयन हेतु नियमित मापदंड और अन्य शर्तें जो हैं आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट हैं 205 पोस्टों में आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज बांट दी गई हैं पोस्टें और उसके बाद में जो स्पेशल एजुकेटर 92 पोस्टें हैं यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बांट दी गई हैं। जो 1 से 9 से 12 के लिए हैं वो 205 पोस्टें हैं और जो 1 से 8 के लिए हैं वो हैं 92 पोस्टें। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है दोस्तों, जो 9 से 12 के लिए हैं उसमें आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो 1 से 8 के लिए यहाँ पर आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन जो है यहाँ पर आप कम से कम 50% मार्क्स हो आपके पास, 12th आप पास हो और कम से कम 50% मार्क्स हो तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। RCI से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 18 से 42 साल की। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर किसको मिलेगा, एक्समैन सर्विस को और फिजिकली चैलेंज जो भी मतलब जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं और विडो हैं उनको भी, कास्ट शेड्यूल इनको सबको, बैकवर्ड क्लासेस को इनको सबको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। राइटिंग टेस्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका होगा, जनरल सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, उसके बाद जनरल नॉलेज और MCQs जो हैं आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट में और 75 मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी
जो थी मैंने आपको दे दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं ये आपका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बन रहिएगा आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद।